हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजोली मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 3री, 4थी और 5वीं मंजिल तोड़ने के लिए कहा है। पिछले काफ़ी समय से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बना हुआ था, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी विवादों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने फैसला मस्जिद कमेटी की ओर से लगाए गए आवेदन के बाद सुनाया है। 14 साल और 46 सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर चुका है। उधर देवभूमि संघर्ष समिति ने फैसले का स्वागत किया है। शनिवार को निगम कोर्ट में सुबह और शाम को सुनवाई हुई और इस दौरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी। मस्जिद की पैमाइश से लेकर अन्य सभी रिपोर्ट पेश की गई और फिर आयुक्त ने मस्जिद की 3 मंजिल को अवैध पाया और 2 महीने में गिराने के आदेश दिए हैं। एमसी कोर्ट के फैसले का देवभूमि संघर्ष समिति ने स्वागत किया है और समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू समाज की जीत हुई है। हालांकि जमीन के मालिकाना हक का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों इस मामले में हिंदू संगठन के नेताओं ने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उनकी भी यही मांग थी कि प्रदेश भर में बनी सभी मस्जिदों की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने मस्जिद के अवैध मंजिल को तोड़ने का फैसला मस्जिद कमेटी की ओर से लगाई गई एक एप्लीकेशन के बाद सुनाया है। एप्लीकेशन में मस्जिद कमेटी ने खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का प्रस्ताव रखा था। संजोली मस्जिद विवाद पर शिमला वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि संजोली मस्जिद की 2 मंजिल अवैध है। गौरतलब है कि मस्जिद से जुड़ा विवाद 2010 से चल रहा है। इस मामले में 14 साल बाद फैसला आया है। इसमें अब तक 11 बार नोटिस संबंधित पक्षों को भेजे गए और साथ ही 46 बार कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला आया है। सितंबर महीने में संजोली में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। संजोली मस्जिद में अवैध निर्माण की बात जनता के सामने सितंबर महीने में ही आई, जहां मारपीट के मामले में आरोपी मस्जिद में शरण लिए हुए थे। बाद में लोगों को जब पता चला तो रोष प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो मस्जिद में अवैध निर्माण की बात सामने आई। अब मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश हुए हैं। बता दें कि शिमला में NGT के सख्त आदेश के बाद 2.5 मंजिल से अधिक निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन मस्जिद में 4 मंजिलें बनाई गई थी।